दोस्तों, आज मैं जंगल होलोकॉस्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट करके बताना। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक प्लेन को देखते हैं जो जंगलों की ओर जा रहा था। उस प्लेन में रॉबर्ट और रॉल्फ नाम के दो ऑयल इन्वेस्टिगेटर होते हैं। दरअसल इन्हें खबर मिली थी कि इस जंगल में बहुत सारा तेल मौजूद है। उनके साथ उनकी असिस्टेंट भी होती है जो इस प्रोजेक्ट में उनका साथ दे रही थी। तभी उनका पायलट उनसे कहता है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है और अगर यहाँ पर कोई खो जाए तो वो वापस कभी नहीं आ सकता। रॉबर्ट कहता है कि वो यहाँ पर तेल ढूंढने आए हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा। वो पायलट से अपनी टीम के पास संपर्क करने के लिए कहता है, पर पायलट को उधर से कोई जवाब नहीं आता। अब कुछ देर बाद ये उस जगह पर पहुँच जाते हैं और पायलट प्लेन को लैंड कराता है, पर तभी उस प्लेन के नीचे कुछ आ जाता है जिससे प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें पायलट को भी चोट लग जाती है। रॉबर्ट और रॉल्फ वहां से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनके प्लेन के टायर के नीचे एक रेडियो आ गया था। फिर जब ये अपने ग्रुप के साथियों के कैंप के पास जाते हैं तो इन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। ये देखकर ये हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो लोग कहां चले गए। तभी रॉल्फ को वहां खून से भीगा एक औजार मिलता है जिससे उन्हें लगता है कि शायद उनके साथियों पर पास के कबीले ने अटैक किया है। वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं लेकिन वो लोग उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलते। तभी नदी के पास उन्हें अपने साथी का एक कटा हुआ सर मिलता है जिसका मांस गायब था। ये देखकर ये काफी डर जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कैनिबल ट्राइब मौजूद है। वो दोनों तुरंत अपने प्लेन में जाते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि उन्हें प्लेन के अंदर ही रहना होगा क्योंकि अगर वो बाहर निकले तो वो कैनिबल्स इन्हें खा जाएंगे। तभी हम उनके प्लेन के बाहर एक कैनिबल को देखते हैं जो उन्हें घूर रहा था। वो उनके बाहर आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद रॉल्फ को प्यास लगती है तो वो रॉबर्ट से बाहर जाने के लिए कहता है लेकिन रॉबर्ट उसे वहाँ जाने के लिए मना करता है। तभी उनकी असिस्टेंट को बहुत तेज प्रेशर आता है इसीलिए वो करने के लिए बाहर जाती है, लेकिन तभी वो कैनिबल उस पर अटैक कर देते हैं जिससे वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर ये लोग काफी डर जाते हैं लेकिन ये फिर भी प्लेन से बाहर नहीं निकलते क्योंकि अगर ये बाहर निकलते तो ये भी मारे जाते। अगली सुबह होने पर ये सभी प्लेन से बाहर निकलते हैं जहाँ पर रास्ता भी साफ होता है। वो अपनी साथी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी पायलट को उस लड़की की एक फटी हुई शर्ट मिलती है जिससे वो समझ जाता है कि वो यहीं आसपास ही होगी, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में लग जाता है जिससे एक लकड़ी की कील उसके शरीर के आर पार हो जाती है और ड्राइवर की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर रॉबर्ट और रॉल्फ काफी डर जाते हैं क्योंकि अब सिर्फ वो दोनों ही जिंदा बचे थे। वो दोनों वहां से बाहर निकलने का फैसला करते हैं लेकिन उन्हें कहीं पर भी रास्ता नहीं मिलता। तभी उन्हें आसपास कुछ जलने की गंध आती है। फिर जब वो वहां पर जाते हैं तो वो उन कैनिबल्स को देखते हैं जो वहां पर मांस पकाकर खा रहे थे। ये देखकर ये समझ जाते हैं कि ये उनके साथी का ही मांस पकाकर खा रहे हैं। फिर ये डर के कारण वहां से चुपके से भाग जाते हैं। ये दोनों नदी किनारे पर पहुंचते हैं जहां पर इन्हें कुछ बम्बू मिलते हैं जिनके सहारे ये एक बोट तैयार करते हैं ताकि ये वहां से बाहर निकल सके। फिर ये उस नाव पर बैठ जाते हैं। अब कुछ घंटे नाव चलाने के बाद इनके सामने एक वाटरफॉल आता है जहां पर पानी का बहाव काफी तेज था। रॉबर्ट रॉल्फ से कहता है कि उन्हें नदी किनारे जाना होगा ताकि वो यहां डूब ना सके। फिर ये दोनों अपनी नाव को किनारे ले जाने लगते हैं, पर तभी उनकी नाव एक पत्थर से टकरा जाती है जिससे उनकी नाव पलट जाती है। फिर रॉबर्ट किसी तरह नदी किनारे आ जाता है, पर तभी वो देखता है कि रॉल्फ वहां पर नहीं है जिससे उसे लगता है कि शायद वो डूब कर मर गया होगा। इसके बाद वो अकेले ही आगे का सफर तय करता है। तभी कुछ देर बाद उसे बहुत तेज भूख लगती है और उसे अपने सामने कुछ मशरूम्स दिखते हैं। वो उन्हें बड़े चाव से खाने लगता है लेकिन तभी कुछ देर बाद वो उल्टी कर देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है क्योंकि वो मशरूम जहरीले थे। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को कुछ जंगली लोगों से घिरा हुआ पाता है। वो लोग उसे अपना औजार दिखाकर डराते हैं और उसके कपड़े देखकर हैरान हो जाते हैं।
वो उसकी गोरी चमड़ी देखकर उसे कोई जानवर समझते हैं। दरअसल वो कैनिबल ट्राइब इनसे कुछ दूरी पर थी, इसीलिए ये उसे नहीं मारते और उसे पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट देखता है कि उस कबीले के लोग उसे घूर रहे हैं। फिर वो लोग रॉबर्ट को अपने गुफा में लाकर बांध देते हैं और फिर उसके सारे कपड़े फाड़कर उसे अपने शरीर पर पहनते हैं। तभी उस ट्राइब की एक जवान लड़की उसे देखकर वहां पर आती है और वो उसकी अंडरवियर फाड़कर उसे पहनने लगती है। जब वो उसका प्राइवेट पार्ट देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है, पर तभी उस ट्राइब के मर्द उसे वहां से भगा देते हैं। फिर वो सभी रॉबर्ट का प्राइवेट पार्ट देखते हैं क्योंकि उसकी चमड़ी काफी गोरी थी। इसके बाद वो रॉबर्ट को एक पंछी की तरह बांध देते हैं और उसे हवा में लटकाते हैं। रॉबर्ट को लगता है कि शायद वो उसे पंछी समझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो उड़े। इस पर रॉबर्ट अपने हाथ खोलकर उड़ने की एक्टिंग करता है, जिसके बाद वो रॉबर्ट का हाथ खोल देते हैं और वो गिरने वाला होता है, पर वो लोग उसे बचा लेते हैं। अब इन सब के बाद रॉबर्ट बेहोश हो जाता है और वो लोग उसे एक जेल में बंद कर देते हैं। फिर जब रॉबर्ट की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक केव में पाता है जहां पर उन्होंने उसके साथ कुछ पंछियों को रखा था। रॉबर्ट को वहां पर पत्थर से पानी गिरता हुआ दिखता है और वो उसे पीने लगता है। इसके बाद वो वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी रॉबर्ट उन ट्राइब के लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनता है, इसीलिए वो ऊपर जाकर देखता है कि वहां पर क्या हो रहा है। यहां पर उन ट्राइब के लोगों ने एक लड़के को पकड़कर लाया होता है जो कि उन्हीं के ट्राइब का था और वो शिकार करने में नाकामयाब था, इसीलिए वो उसे सजा देते हैं। वो उसका औजार तोड़कर उसे बांध देते हैं और फिर उनका मुखिया उसके हाथ पर 3 कट लगाता है और फिर जंगली चींटियों को उस पर छोड़ देता है, जिससे वो जंगली चींटियां उसका हाथ खाने लगती हैं। ये सब देखकर रॉबर्ट काफी डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उन चींटियों ने उसका पूरा हाथ खा लिया है। तभी कुछ बच्चे वहां पर आते हैं और रॉबर्ट पर पी करने लगते हैं, जिससे रॉबर्ट उन्हें डांटकर वहां से भगा देता है। और तभी एक आदमी उसके लिए खाना लेकर आता है। वो रॉबर्ट की तरफ वो खाना फेंक देता है जो कि पंछियों के लिए था। रॉबर्ट को उसे देखकर घिन आती है, इसीलिए वो उसे नहीं खाता। तभी रात में रॉबर्ट उस लड़की को देखता है जो उसे घूर रही थी। फिर वो उससे बात करने के लिए उसे अपने पास बुलाता है। पहले तो वो लड़की उससे दूर जाती है, लेकिन जब वो उसे रोता हुआ देखती है तो वो उसके पास आती है और उसे टच करती है। रॉबर्ट उससे कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है, तो वो उसके लिए कुछ खाने को लाए, लेकिन वो लड़की उसकी बात नहीं समझती और उसका प्राइवेट पार्ट टच करने लगती है। अगली सुबह रॉबर्ट के पास कुछ बच्चे आते हैं जो उसे पत्थर मारने लगते हैं, लेकिन तभी रॉबर्ट उन्हें अपने हाथ की एक कला दिखाता है, जिससे वो बच्चे उसके साथ खेलने लगते हैं। तभी रॉबर्ट एक बच्चे से इशारों में पानी लाने के लिए कहता है और वो बच्चा उसकी बात समझकर उसके लिए पानी ले आता है। लेकिन जैसे ही रॉबर्ट उसे पीता है तो एक आदमी आकर उसका पानी गिरा देता है और उसे बुरी तरह पीटता है, जिससे रॉबर्ट अंदर चला जाता है। अब कई दिनों तक रॉबर्ट उसी केव में बंद रहता है और उसका भूख से बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन वो पंछी का खाना खाने की सोचता है, पर वो पंछी उसे अपना खाना छीनने से रोकने लगता है, लेकिन रॉबर्ट उसका खाना छीन लेता है और उसे खाने लगता है। तभी वहां पर 3 आदमी आते हैं जो उस पंछी को पकड़कर ले जाते हैं और रॉबर्ट देखता है कि वो आखिर उसके साथ क्या करेंगे। फिर वो उस पंछी को बेट बनाकर एक अजगर को पकड़कर लाते हैं। वो उस अजगर के मुंह पर एक पत्थर से वार करते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद वो उसे पकाकर चाव से खाते हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म में जितने भी जानवर मरे हैं वो सभी रियल में मारे गए थे। इसके बाद वो ट्राइब के लोग उस केव में आते हैं और उस ईगल को पकड़कर ले जाते हैं। वो एक क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए उस ईगल को बेट बनाते हैं और जब वो क्रोकोडाइल उनके हाथ लग जाता है तो वो उसका मुंह बांध कर वहां पर ले आते हैं। तभी वो क्रोकोडाइल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमी धारदार चाकू से उसका मुंह काट देता है और उसके बाद उसकी चमड़ी उखाड़ता है, जबकि वो क्रोकोडाइल अभी जिंदा ही था। उसके बाद वो उसका पेट फाड़कर उसका दिल निकालते हैं और उसे कच्चा ही खाने लगते हैं। अब खाने के बाद वो सभी अपनी औरतों के साथ इंटीमेट होते हैं। इधर रॉबर्ट उस केव से बाहर निकलने का फैसला करता है। फिर जब 2 लोग उस केव के पास आते हैं तो रॉबर्ट बेहोशी का नाटक करता है और जब वो अंदर आकर उसे उठाने लगते हैं तो रॉबर्ट एक पत्थर से उन पर हमला करके उन्हें मार डालता है। फिर वो जेल को तोड़कर वहां से बाहर निकलता है और देखता है कि उस लड़की के साथ कोई इंटीमेट हो रहा है। वो उस आदमी के ऊपर पीछे से वार कर देता है, जिससे वो मर जाता है। फिर वो उस लड़की को धमका कर उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसके
हाथ बांध देता है और उससे कहता है कि वो भागने की कोशिश ना करे। अब इन्हें भागते हुए सुबह हो जाती है और ये लोग नदी किनारे पहुंच जाते हैं। तभी रॉबर्ट एक ट्राइब की औरत को देखता है जो कि अकेले ही बच्चा दे रही थी। फिर जब उसका बच्चा होता है तो वो देखती है कि उसे लड़की हुई है, इसीलिए वो उस लड़की को नदी में फेंक देती है और क्रोकोडाइल उसे खा लेते हैं। ये देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि उस ट्राइब में केवल लड़कों को ही रखा जाता है और लड़कियों को वो कम ही रखते हैं, सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। इसके बाद रॉबर्ट उस लड़की को लेकर आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि उसे बहुत तेज प्यास लगी है। फिर वो लड़की उसके लिए कुछ पानी का इंतजाम कर देती है। तभी रॉबर्ट को वहाँ पर एक झील मिलती है जिसके अंदर वो नहाने के लिए जाता है, लेकिन उस झील के अंदर बहुत सारी जोंके होती हैं जो उसके ऊपर चिपक जाती हैं, जिससे वो पानी से बाहर निकलता है और देखता है कि वो लड़की वहाँ से भाग गई है। ये देखकर वो उसे ढूंढने लगता है लेकिन वो लड़की उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी वो उस लड़की को देखता है जो कि झाड़ियों में छिपी हुई थी। वो उसे एक पंच मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और फिर गुस्से में रॉबर्ट उसका रेप भी करता है जिससे उस लड़की को काफी दर्द होता है। इसके बाद अब वो लड़की उसे अपना पति मानने लगती है और जब रॉबर्ट की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने खाना पाता है जो कि उस लड़की ने उसके लिए लाए थे। तभी वो लड़की कीचड़ से एक मछली पकड़कर लाती है और रॉबर्ट को खाने के लिए देती है। ये देखकर रॉबर्ट उस लड़की पर काफी खुश हो जाता है। फिर ये दोनों मिलकर वहाँ पर ढेर सारा खाना खाते हैं और फिर आगे का सफर तय करते हैं। तभी रात होते ही वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है, इसीलिए वो दोनों खुद को बचाने के लिए एक गुफा में जाते हैं। लेकिन तभी उस गुफा में एक आदमी रॉबर्ट पर हमला कर देता है, पर जब बिजली चमकती है तो रॉबर्ट देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि रॉल्फ है जो कि पानी में जिंदा बच गया था और यहाँ पर सरवाइव कर रहा था। रॉल्फ भी उसे देखकर खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अगली सुबह रॉल्फ रॉबर्ट से कहता है कि वो बुरी तरह जख्मी हो चुका है, इसीलिए वो कई दिनों से इस केव में रह रहा है। अब रॉबर्ट ने इतने दिनों बाद रॉल्फ को देखा था इसीलिए वो पागल सा हो गया था। वो उससे कहता है कि वो दोनों यहाँ से ढेर सारा तेल ले जाएंगे और फिर शहर में एक बड़ा सा घर खरीदेंगे। रॉल्फ उससे कहता है कि यह सब तभी मुमकिन होगा जब हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर मोड़ पर खतरा है। तभी वो लड़की जंगलों से भागते हुए आती है और रॉबर्ट के कदमों में गिर जाती है। उसे इतना डरा हुआ देखकर रॉबर्ट उससे पूछता है कि क्या हुआ। तभी उन दोनों को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और उन्हें पता चलता है कि वो उसी की आवाज से डर रही है। फिर रॉबर्ट जंगल में भागते हुए चिल्लाता है ताकि हेलीकॉप्टर उनके लिए रुक सके, लेकिन वो जंगल काफी घना था जिससे वो पायलट उन्हें नहीं देख पाता। फिर वो पायलट अपने क्रू से कॉल पर कहता है कि वो लोग उससे नहीं मिले, इसीलिए वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर वापस चला जाता है। फिर रॉल्फ और रॉबर्ट वहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। फिर वो दोनों नदी के किनारे जाते हैं और एक नाव तैयार करते हैं। रॉल्फ रॉबर्ट से कहता है कि हम इस लड़की पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये लड़की हमें गलत रास्ता दिखा रही हो ताकि हम उन कैनिबल्स के पास पहुँच जाएं। रॉबर्ट रॉल्फ से कहता है कि वो सही कह रहा है और उन्हें अपना रास्ता चूज करना चाहिए। फिर वो लोग नदी के रास्ते जाने लगते हैं। तभी एक घड़ियाल उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग एक लकड़ी से उसे मार डालते हैं और तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी उनके सामने एक कोबरा आता है और रॉल्फ उसे पकड़ लेता है। फिर वो रॉबर्ट के डंडे पर उस कोबरा का पॉइजन लगा देता है ताकि वो उससे जिसे मारे वो कुछ ही देर में मर जाए। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें अपना कैंप दिखता है और वहाँ पर उनका प्लेन भी मौजूद था, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। पर तभी कैनिबल्स उन पर हमला कर देते हैं और वो उस लड़की को पकड़कर उसे मार डालते हैं। फिर वो उसे उठाकर खाने के लिए वहाँ से ले जाते हैं। तभी एक कैनिबल रॉल्फ पर एक भाला फेंक कर मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। रॉबर्ट रॉल्फ के सीने से वो भाला निकालता है और उसे प्लेन की ओर ले जाता है। इधर वो कैनिबल्स उस लड़की का पेट फाड़ते हैं और उसके ऑर्गन्स निकालकर खाने लगते हैं और फिर वो उसकी बॉडी को पकाकर उसकी रिब्स खाते हैं। उसे खाने के बाद वो रॉबर्ट और रॉल्फ के पास पहुंचते हैं, लेकिन रॉबर्ट अब नहीं भागता। फिर जब एक कैनिबल उस पर हमला करता है तो रॉबर्ट उससे लड़ने लगता है और बाकी कैनिबल्स वहाँ खड़े होकर उनकी लड़ाई देखते हैं। तभी रॉबर्ट उस कैनिबल के सीने में अपना भाला घुसा देता है जिसमें कोबरा का पॉइजन था, जिससे वो कैनिबल मारा जाता है और ये देखकर बाकी कैनिबल्स काफी डर जाते हैं। तभी रॉबर्ट उस कैनिबल का पेट फाड़कर उसकी अतड़ियां निकालकर उसे खाने लगता है और ये देखकर सभी कैनिबल्स हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो रॉबर्ट पर हमला नहीं करते और रॉबर्ट रॉल्फ को लेकर प्लेन की ओर जाता है। लेकिन वो
प्लेन स्टार्ट नहीं होता। तभी वो देखता है कि वो कैनिबल्स उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन तभी वो प्लेन स्टार्ट हो जाता है और रॉबर्ट उस प्लेन को उड़ाने लगता है, जिससे रॉबर्ट काफी खुश होता है। पर तभी रॉल्फ प्लेन में ही दम तोड़ देता है। फिर फिल्म के लास्ट में हमें बताया जाता है कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है और इस फिल्म के कैरेक्टर रॉबर्ट ने ही ये सब फेस किया था और अमेरिका आते ही उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।